दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र नाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख करके लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, फरमाइश कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारे मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर बोल रहा हूँ, 9425308। आज बहुत सी फरमाइश आई है चंद्र शनि की युक्ति के बारे में। चंद्र शनि की युक्ति बनाता है रंग से राजा। कुंडली में किस किस भाव में अगर चंद्र शनि की युक्ति रहेगी तो आपको रंग से राजा बनाता है। इस वीडियो को देखिए और समझिए। जिसके भी कुंडली में दूसरे भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, वो व्यक्ति जीरो से हीरो बनता है, निर्धन से अमीर बनता है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है और रंग से राजा बन जाता है। जिसके कुंडली में चौथे भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, वो राजा के समान सुख पाता है, प्रशासनिक अधिकारी बनता है, उच्च अधिकारी बनता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है, मंत्री संसद बनता है। जिसके कुंडली में सातवें भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, ऐसे लोग का पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है, अच्छे योग। महिला है तो पुरुष से शादी होती है, पुरुष है तो अच्छे महिला से शादी होती है और सुंदर भोजन, सुंदर बस, आवास, वाहन, संसारिक सुख इनको पूर्ण प्राप्त होता है। जिसके कुंडली में दसवें भाव में चंद्र और शनि की युक्ति हो, वो भाग्यशाली होते हैं, बहुत कम उम्र से अपने पैरों पर खड़ा हो जाते हैं, उद्योगपति बनते हैं, बेरोजगार नहीं रहते हैं, कम परिश्रम में अच्छा धन की प्राप्ति होती है और ऐसे लोग 40-45 साल के उम्र में ही अपने समूचे कार्य को पूरा कर लेते हैं। जिस व्यक्ति के ग्रहणीय भाव में चंद्र शनि की युक्ति हो, वो व्यक्ति विदेश जाता है, विदेश से धन कमाता है, सांसारिक सुख पाता है, इसके संतान योग्य होते हैं, समाज में अच्छे इज्जत प्रतिष्ठा के साथ पूजा जाता है। दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो चंद्र शनि की युक्ति के बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया। इसको सुनिए, इसका आनंद लीजिए। किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो मुझसे बात करिए। इतना करके वीडियो को खत्म करता हूँ। नमस्कार।